हाय गाइस, ये है एप्पल एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन जिन्हें एप्पल ने लॉन्च किया था लेट 2021 में। इनका जो डिजाइन है ये काफी हद तक एप्पल एयरपॉड्स प्रो से मिलता जुलता है बट विदाउट नॉइस कैंसलेशन। और 2023 में इसका एमआरपी है 20,500 रुपीज, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल है बहुत अच्छी डील्स पे। तो चलिए करते हैं इन एयरपॉड्स की अनबॉक्सिंग और देखते हैं सारी डिटेल्स। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो चलो शुरू करते हैं एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन की अनबॉक्सिंग। तो ये है एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन का बॉक्स। एक चीज जो आप सबसे पहले नोटिस करेंगे वो ये है कि इनके ऊपर कोई भी प्लास्टिक की रैपिंग नहीं है। बॉक्स के राइट साइड पे आपको मिलता है एप्पल लोगो और टॉप पे मेंशन है एयरपॉड्स विद मैगसेफ चार्जिंग केस। यहाँ देखने को मिलता है इसका एमआरपी विच इज 20,500 रुपीज। साथ ही और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्ट एंड पैक्ड बाय। बॉक्स के इस साइड देखने को मिलता है इसका सीरियल नंबर। बॉक्स के बैक साइड पे मेंशन है एयरपॉड्स डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना। पीछे बने हुए हैं एयरपॉड्स। तो कुल मिलाकर ये एक टिपिकल एयरपॉड्स का बॉक्स है। तो बॉक्स को आप ओपन कर लेते हैं। एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह इस बॉक्स में भी थोड़ा सा वैक्यूम है और ये स्लाइड करके धीरे धीरे बाहर आ जाता है और ये चीज मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे मेंशन है टिपिकल डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ये एक पेपर का पाउच है और इसमें मिलती है कुछ बेसिक सी डॉक्यूमेंटेशन। इसे साइड कर देते हैं। ये है एयरपॉड्स का केस। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की रैपिंग है। तो एप्पल ने बाहर से तो प्लास्टिक हटा दिया, अंदर प्लास्टिक अभी भी यूज हो रहा है। छोटा सा पुल टैब है नीचे। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो नीचे आपको देखने को मिलती है एक चार्जिंग केबल। दिस केबल इज टाइप सी टू लाइटनिंग केबल। ये कोई ब्रेडेड केबल नहीं है बट टिपिकल व्हाइट कलर की एप्पल स्टाइल केबल है और चार्जर इसमें आपको नहीं मिलता। तो ये है एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन का केस। देखने में ये एयरपॉड्स प्रो के केस की तरह दिखता है बट आई थिंक ये उससे थोड़ा सा छोटा है। सेकेंड जनरेशन एयरपॉड्स के केस को अगर मैं इस तरह से रोटेट कर दूं और इसके ऊपर थर्ड जनरेशन का केस रखूं तो ये दोनों लगभग बराबर हैं। और जो एयरपॉड्स प्रो का केस होता है वो थर्ड जनरेशन केस से थोड़ा सा बड़ा है विड्थ में। ये एक मैग्नेटिक केस है। इसके चारों कॉर्नर्स में मैग्नेट्स हैं बिकॉज ये यूज करता है मैगसेफ। केस को आप ओपन कर लेते हैं। तो ये है एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन। इनका डिजाइन काफी हद तक एयरपॉड्स प्रो से मिलता जुलता है। इसके टॉप पे आपको मिलता है स्पीकर माइक का कॉम्बिनेशन। ये है एक्सटर्नल माइक, ये है एक और एक्सटर्नल माइक और इसके नीचे की साइड पे है प्रेशर सेंसर्स जिन्हें दबा के आप अपनी कॉल को आंसर या रिजेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक पे अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। और ये सभी चीजें कस्टमाइजेबल है जो आप अपने आईफोन में सेटिंग्स में जाके अपने हिसाब से इन्हें सेट कर सकते हैं। इसे यूज करते टाइम अगर आप इसकी स्टेम को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सीरी एक्टिवेट हो जाएगा या फिर आप सिंपली सीरी बोल सकते हैं और उससे पहले हे बोल सकते हैं जिससे सीरी एक्टिवेट हो जाएगा। ये वाले एयरपॉड्स एयरपॉड्स प्रो से इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि अगर आप एयरपॉड्स प्रो की रबर टिप निकाल देंगे तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। ये जो ब्लैक सेक्शन है ये एयरपॉड्स प्रो में आपको नहीं मिलता, बस इनमें इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज इनका डिजाइन एयरपॉड्स प्रो से काफी हद तक मिलता जुलता है। बाकी एयरपॉड्स की तरह इन एयरपॉड्स को भी अपने आईफोन के साथ पेयर करना बहुत ही इजी और सिंपल है। ये कनेक्शन का प्रॉम्प्ट आते ही आपको कनेक्ट बटन क्लिक करना है। कनेक्ट होते ही ये आपको एयरपॉड्स और चार्जिंग केस का अलग अलग बैटरी स्टेटस बताएगा। आपको यहाँ कंटिन्यू क्लिक करना है। एप्पल म्यूजिक सुनने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि जब भी आप ये एयरपॉड्स या कोई भी एयरपॉड्स खरीदते हैं तो आपको 6 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है एप्पल की तरफ से। तो मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो बहुत ही आसानी से ये एयरपॉड्स मेरे आईफोन के साथ पेयर हो चुके हैं। अब इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। जैसे ही आप एयरपॉड्स को सिलेक्ट करेंगे आपको सबसे पहले ऊपर मिलेगा इसका बैटरी स्टेटस, एयरपॉड्स और चार्जिंग केस का अलग अलग। उसके बाद दिखेगा नेम जिसे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कॉल कंट्रोल्स जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको कॉल एंड करने के लिए इसे एक बार दबाना है या दो बार, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। आगे मिलता है ऑटोमेटिक ईयर डिटेक्शन का ऑप्शन। उसके बाद है कनेक्ट टू दिस आईफोन ऑटोमेटिकली और उसके बाद मिलता है पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो को सेट करने का ऑप्शन। नीचे कुछ और सेटिंग्स हैं जैसे कि माइक्रोफोन, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, 5G नेटवर्क एटसेट्रा। और सबसे नीचे के सेक्शन में आपको देखने को मिलता है इन एयरपॉड्स का मॉडल नेम, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन और साथ ही लास्ट में ये आपको बताता है कि इनकी वारंटी की एक्सपायरी डेट क्या है।
इन एयरपॉड्स में आपको मिलता है मीडिया कंट्रोल एंड स्पेशल ऑडियो विद एक्टिव हेड ट्रैकिंग, लेकिन इनमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। साथ ही मिलता है अडैप्टिव ईक्यू एंड कस्टम हाई एक्सकर्जन एप्पल ड्राइवर एंड कस्टम डायनामिक रेंज एम्पलीफायर, जैसे कि एप्पल इसे एडवर्टाइज करता है। साथ ही इन एयरपॉड्स में मिलते हैं ड्यूअल बीम फॉर्मिंग माइक, इनवर्ड फेसिंग माइक्रोफोन, स्किन डिटेक्शन सेंसर, मोशन डिटेक्टिंग एक्सेलेरोमीटर, स्पीच डिटेक्टिंग एक्सेलेरोमीटर, फोर्स सेंसर। इनमें H1 चिप भी है, जिससे इन एयरपॉड्स को ये समझ आ जाता है कि ये कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये एयरपॉड्स IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, जिसका मतलब ये स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट भी हैं। आई थिंक इन सभी चीजों से आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा इन एयरपॉड्स के बारे में। तो मैं इन्हें फटाफट सेटअप करके थोड़ी देर के लिए यूज करता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये वाकई कंफर्टेबल है। तो इन एयरपॉड्स को थोड़ी देर यूज करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि इनकी आवाज एक्चुअली बहुत अच्छी है, एंड सरप्राइजिंगली इसका जो बेस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनके अंदर कोई रबर टिप्स नहीं है, मतलब ये कानों को सील नहीं करते, लेकिन फिर भी इनका बेस बहुत ज्यादा अच्छा है। ये एयरपॉड्स काफी हद तक एयरपॉड्स प्रो की तरह ही साउंड करते हैं, बस इनमें एक चीज की कमी है, वो है नॉइस कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड। पर्सनली स्पीकिंग मुझे नॉइस कैंसिलेशन पसंद है, बट उसके लिए मैं ओवर द ईयर हेडफोन्स को यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, एंड आई थिंक ये चीज बिल्कुल इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करती है। कम्फर्ट की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक ये एयरपॉड्स प्रो से काफी ज्यादा कम्फर्टेबल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई ईयर टिप्स नहीं है। मुझे वैसे भी कोई चीज ऐसी पसंद नहीं है जो मेरे ईयर कैनाल्स में अंदर तक जाए, एंड अगर आप लॉन्ग आवर्स लिसनिंग को दिमाग में रखते हुए कोई एयरपॉड्स खरीद रहे हैं तो आई थिंक ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होने वाले हैं। इसका फिट भी काफी अच्छा है, ये कानों से इजीली नहीं गिरेंगे अनलेस आप इसे जॉगिंग पे ले जाएंगे, उस केस में डेफिनेटली ये आपके कानों से गिर जाएंगे। इन्हें पहन के मैं आसपास की एंबिएंट नॉइज भी सुन सकता हूँ, विच आई थिंक इज अ गुड आइडिया अगर मैं एक वर्क स्पेस एनवायरमेंट में काम कर रहा हूँ, बट अगेन ये चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। और रेफरेंस के लिए, अगर आपने इससे पहले एयरपॉड्स 1 या एयरपॉड्स 2nd जनरेशन यूज किए हैं और वो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको कंफर्टेबल लगने वाले हैं। इन एयरपॉड्स में आपको हेड ट्रैकिंग भी मिलती है, जो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली इन एयरपॉड्स में आपको एयरपॉड्स प्रो वाले सारे ऑप्शंस मिलते हैं विदाउट नॉइस कैंसिलेशन, एंड आई थिंक एप्पल ने भी इन एयरपॉड्स को प्रो की तरह ही बनाने की कोशिश की है, जस्ट विदाउट द ईयर टिप्स। बैटरी लाइफ की अब जरा बात कर लेते हैं। एप्पल के हिसाब से फुल चार्ज करने के बाद इन एयरपॉड्स की लाइफ है 6 आवर्स या 5 आवर्स विद स्पेशल ऑडियो ऑन, और साथ ही ये देते हैं आपको 4 घंटे का टॉक टाइम ऑन 1 फुल चार्ज। अगर आप इन एयरपॉड्स को फुल चार्ज करके और इसके केस को भी फुल चार्ज करके यूज करते हैं तो आपको मिलता है टोटल 30 आवर्स का लिसनिंग टाइम या फिर 20 आवर्स का टॉक टाइम। एंड एज एडवर्टाइज्ड बाय एप्पल, 5 मिनट्स ऑफ चार्जिंग इन द केस गिव्स यू अबाउट 1 आवर ऑफ लिसनिंग टाइम ऑन दीज एयरपॉड्स, एंड ये एयरपॉड सपोर्ट करते हैं ब्लूटूथ 5.0। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो दीज एयरपॉड्स साउंड प्रीटी गुड, इनका बेस भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है, और अगर आप इन एयरपॉड्स को एयरपॉड फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको काफी अच्छा डिफरेंस साउंड क्वालिटी में मिलेगा, बिकॉज दीज एयरपॉड्स आर मच मोर ऑन द लेवल विद एयरपॉड्स प्रो। और इसीलिए अगर आप इससे पहले एयरपॉड्स फर्स्ट या सेकंड यूज कर रहे हैं तो ये वाले आपके लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड है। इनकी कॉस्ट जरूर एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आज की रेट में मार्केट में इतनी अच्छी डील्स अवेलेबल है, प्लस कार्ड डिस्काउंट्स लगा के इनका प्राइस बन जाता है लगभग 15,000 के आसपास, और उस पे अगर आप नो कॉस्ट EMI करा लो तो बात ही क्या है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज एयरपॉड्स। अगर आप इन एयरपॉड्स को यूज कर रहे हैं तो आपके क्या एक्सपीरियंस है, अगर आप इन एयरपॉड्स को खरीदने वाले हैं तो आप क्या सोचते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इन जनरल तो मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।